सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं, सरकार की मंशा साफ नहीं है। 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है, दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं के लिए। सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। मेरी ये मांग है कि ST SC OBC को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खासतौर पर। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होमोपेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और मुझे और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी महिलाओं को भी उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है जो इस समय वह लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। देखिए, ये 30 साल का संघर्ष रहा है। हमारे संविधान ने वादा किया था इक्वालिटी का, पर इक्वालिटी महिलाओं के लिए नहीं दिखाई दी। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो कर दिखाया था हमारे संविधान में, जो बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, यूरोप ने की महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। हमें ये अधिकार मिले थे पर उस अधिकारों से वंचित किया गया, इसलिए ये बिल आना जरूरी था। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया, 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा, दैट मीन्स 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं के लिए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूंगी, मैं चूंकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में ST SC और OBC की अभी पॉपुलेशन है और चूंकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियां या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी और जो दलित दबे कुचले प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगी। इसलिए मेरी ये मांग है कि ST SC OBC को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खासतौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए। हमारे स्टेट में ऐसा हुआ था पिछली सरकार में, जब भाजपा सरकार थी तो 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्रेशन का फीस 1 रुपया लगने वाला था, तो उसमें बाद में देखा गया कि उसका लाभ अपर क्लास की महिलाएं ले गई क्योंकि उनके पास पैसे थे, बहुत सारी जमीन उन्होंने पत्नियों के नाम से बेटियों के नाम से खरीद लिया, तो जिनके लिए ये स्कीम था उनको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि सरकार को राजस्व की हानि हुई। तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए हम चाहेंगे उसके अंदर एक रिजर्वेशन।